नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात राजस्थान के विधानसभा के उपचुनाव और राज्यसभा की सीट के होने वाले चुनाव को लेकर होगी। आज कुल मिलाकर 5 सीटों पर उपचुनाव होना था विधानसभा की, अब एक और सीट पर उपचुनाव होगा। बीजेपी के सलूंबर से विधायक अमृतलाल मीणा, उनकी मौत हो गई है और माना जा रहा है कि 5 सीटों पर चुनाव होगा, उसके साथ साथ 6ठी सीट पर भी चुनाव होगा। तो भजनलाल शर्मा सरकार के लिए थोड़ी सी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि अमृतलाल बीजेपी के विधायक थे, बाकी जो 5 सीटें खाली हुई हैं वो कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन के विधायकों के सांसद बनने के कारण खाली हुई है। तो अब 6 सीटें जीतने की या 6 में से ज़्यादा सीटें जीतने की चुनौती है, जिसमें से 1 सीट वापस रिगेन करना है जो बीजेपी के खाते की ही थी। अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 6 सीटों में से 2 सीटें झुंझुनू और खींवसर की, वो जाट बाहुल्य इलाके से आती हैं। बाकी 2 सीटें दौसा की और टोंक उनियारा की, वो मीणा गुजर बहुल इलाके से आती हैं। और बाकी 2 सीटें एक राजकुमार राउत जो लोकसभा में पहुंच गए, आदिवासी ट्राइबल बाप पार्टी के, भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता, उनकी सीट है विधानसभा की। और अब उन्हीं के इलाके दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी इलाके की सलूंबर की सीट, आदिवासी मीणा की सीट है। तो जातीय समीकरण देखने होंगे, लेकिन क्या जातीय समीकरण इससे पहले जो राज्यसभा की एकमात्र सीट है जो कांग्रेस के वेणुगोपाल के लोकसभा में जाने के कारण खाली हुई है, जो बीजेपी की झोली में आना 100% तय है, उससे क्या जातीय समीकरण विधानसभा चुनाव के साधने की कोशिश की जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक मीणा को राज्यसभा में भेजना क्या ज़्यादा मुनासिब होगा इस हिसाब से, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान मेवाड़ में बीजेपी को अपनी स्थिति, अपना मजबूती को बरकरार रखना है। भारतीय आदिवासी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है, कांग्रेस भारतीय आदिवासी पार्टी से लोकसभा चुनाव में समझौता करके एक तरह से सरेंडर हो चुकी है। वहां की राजकुमार राउत ने जो सीट जीती बांसवाड़ा डूंगरपुर की, उसको छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने जीती लोकसभा में। तो क्या महेंद्र जीत सिंह मालवीय को, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और लोकसभा चुनाव हार गए थे, उनको क्या राज्यसभा में भेजा जा सकता है और उनको भेजकर मीणा वोटरों में, आदिवासी मीणा वोटरों में एक हलचल पैदा करने की कोशिश की जा सकती है और उस बहाने सलूंबर की और राजकुमार राउत की सीट पर उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी को या कांग्रेस गठबंधन को कड़ी टक्कर दी जा सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जहाँ तक दौसा की सीट का सवाल है, टोंक सवाईमाधोपुर वाली विधानसभा सीट का सवाल है, उनियारा वाली, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं है, बीजेपी गठबंधन इस्तीफा मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है? पहले भी वो राज्यसभा में थे, फिर वो विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था, क्या ये एक संभावना तलाशी जा सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा बीजेपी को जाट वोट बैंक को वापस लाने की ज़रूरत है और ऐसे में सतीश पूनिया को क्या क्या नंबर लग सकता है, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है? अभी उनको हरियाणा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और हरियाणा में भी बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट के भरोसे है, लेकिन जाट वोटों में कुछ सेंध मारने में क्या सतीश पूनिया कामयाब हो सकते हैं? अगर उनको राज्यसभा भेजा जाता है, जाटों का कुछ विश्वास जीता जा सकता है? विनेश फोगाट के प्रकरण के बाद माना जा रहा है कि जाट और बड़ी संख्या में बीजेपी से नाराज हुए हैं, तो क्या इसकी कहीं ना कहीं ये जो खामियाजा है इसको राजस्थान से पूरा करने की कोशिश की जा सकती है, ये भी सवाल उठ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं राजेंद्र राठौड़ का भी नंबर लग सकता है, ऐसी बात भी कही जा रही है, लेकिन क्या उनको राज्यसभा भेजा जाएगा? कोशिश तो वो कर रहे हैं और इस समय राजपूत वोट बैंक जो लोकसभा चुनाव में कुछ रविंद्र भाटी के कारण और कुछ गुजरात का जो
प्रकरण हुआ था उस कारण थोड़ा सा नाराज हुआ था। वसुंधरा राजे राजपूतों की एक बड़ी नेता, उनकी वो घर बैठी हैं, उनकी नाराजगी से भी जाट वोट बैंक पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो क्या इस बहाने राजेंद्र राठौड़ को राज्यसभा में भेजकर क्या राजपूत वोटों को साधा जा सकता है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कई सारे माथापच्ची के दौर से हो सकता है बीजेपी गुजर रही है इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जातीय समीकरण साधने का एक अच्छा मौका भी मिला है और ये सिद्ध करने का भी मौका मिला है कि चाहे बीजेपी सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उपचुनाव वो आम तौर पर हारती है, आम तौर पर कांग्रेस उपचुनाव जीतती रही है। तो ये जो धारणा है इसको भी तोड़े जाने की जरूरत है। आगे बात करें तो इतना सा कह दूं कि अमृतलाल मीणा जो बीजेपी के सलुम्बर से विधायक थे, उनके निधन के बाद फिर नई विधानसभा को लेकर पुरानी कहानियां सामने आनी शुरू हो गई हैं। जब से नई विधानसभा का गठन हुआ है तब से अब तक 18 विधायक मौत के मुंह में जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि सबकी स्वाभाविक मौत हुई है, लेकिन कहा जाता है कि साहब ये विधानसभा अभिशप्त है, यहाँ पर पूरे 200 विधानसभा के सदस्य पूरे बहुत कम समय के लिए रह पाते हैं, कोई ना कोई एक स्थान किसी ना किसी वजह से रिक्त हो जाता है। आपको ध्यान होगा बहुत साल पहले रात भर यज्ञ जप भी कराया गया था, कुछ मृत्युंजय जप या किसी तरह का जप भी कराया गया था, बुरी आत्माओं को खदेड़ने की भी कोशिश की गई थी और इसको लेकर पूरे देश भर में बड़ा हो हल्ला भी मचा था, कौतूहल का विषय भी रहा था। लेकिन जो भी यज्ञ कराया गया हो उसका असर नहीं पड़ा है क्योंकि एक मौत और हुई है। यहां अब उपचुनाव हो रहा है तो कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो ये देखना दिलचस्प होगा कि टोंक सवाईमाधोपुर की लोकसभा सीट और दौसा की लोकसभा सीट में कांग्रेस को जिताने में बड़ी भूमिका निभाने वाले सचिन पायलट की दोनों की जगह की विधानसभा सीटों पर क्या उनकी भूमिका रहती है, क्या उनके पक्ष के उम्मीदवार उतारे जाते हैं और क्या वो सकारात्मक परिणाम दे पाते हैं और अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर पाते हैं। ब्रजेंद्र ओला की सीट खाली हुई है, ब्रजेंद्र ओला के लिए माना जा रहा है कि शायद अपने परिवार में से ही किसी को वो चाहते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो ब्रजेंद्र ओला पर जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो जिताने की भी कोशिश करें, हर हाल में जिताएं। हनुमान बेनीवाल वाली सीट है वो एक तरह से पारिवारिक सीट हो गई है, उस पर तो हनुमान बेनीवाल ही फैसला करेंगे अंतिम तौर पर। लेकिन क्या बीजेपी एक बार फिर ज्योति मिर्धा पर दाव लगाएगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों ना ज्योति मिर्धा को राज्यसभा भेज दिया जाए, जो जाटों में महिला वोट है उनको भी प्रभावित किया जा सकता है। तो कई सारे किंतु परंतु के दौर से चीजें गुजर रही हैं, देखते हैं बीजेपी आलाकमान क्या फैसला करता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।